जी हाँ, आखिरकार 2 वर्ष के बाद आईसीडीएस विभाग ने नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि चयन के बाद भी सेविका सहायिकाओं से जो है जो भी मानदेय उनको प्राप्त हुआ है उनको वापस करने के लिए लेटर जारी हो सकता है। इसी के संबंध में एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है जिसके बारे में आपको क्लियर जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि वीडियो में काफी यूजफुल जानकारी है। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन किन सेविकाओं के लिए है, किन से पैसा वापस मांगा जा सकता है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में बने रहिए। और हाँ, मानदेय के संबंध में ये वीडियो है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए चलते हैं सीधे ऑफिशियल लेटर की ओर। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आईसीडीएस विभाग की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल लेटर है। संचिका संख्या 3791 और 503 अगस्त 2021 को लेटर जारी किया गया था। विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी किया गया है। और किसको, तो सभी जिलों के जिला पदाधिकारी यानी सभी जिलों के डीएम को लेटर जारी किया गया है। ध्यान से देखना है आपको। मैं आपको अभी बता दूं कि वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में जो एक एक बात जो लिखी गई है वो आप सभी लोगों के लिए जाननी जरूरी है कि आखिर जो है किन लोगों से वापस मानदेय मांगा जा सकता है और इसके लिए क्या करना होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। नीचे यहाँ पर आते हुए देखिए, पत्र का विषय सबसे पहले क्या लिखा गया है। तो विषय में क्लियरली देखिए लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका दोनों के चयन हेतु मार्गदर्शिका 2019 की कंडिका 10 में संशोधन या नए प्रावधान के संबंध में, यानी 2019 के रूल के मुताबिक अब इसमें जो नया संशोधन किया गया है। देखिए लिखा गया पत्र में, महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2019 से लागू है। सेविका सहायिका के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के जांच में विलम्ब होने के कारण सेविकाओं का मानदेय भुगतान में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा सम्यक विचार उपरांत मार्गदर्शिका कंडिका 10 के अंतिम पारा में निम्न संशोधन किए जाते हैं, यानी जो भी है अमेंडमेंट संशोधन यहाँ पर लिखा गया है वो लागू कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, कंडिका लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए कंडिका 10 में जो प्रावधान किया गया है, कंडिका 10 में वर्तमान में क्या समस्या आ रही है, तो प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जांच में समस्या आ रही है। और साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आखिर उसमें क्या लिखा गया था, पहला रूल किस लिए ये जो है कंडिका में इसमें लिखा गया है। तो बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह पहले का रूल था जिसमें लिखा गया था कि बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं कि सर अभी मेरा जो भी ज्वाइनिंग हुआ 1 साल 2 साल हो चुका है लेकिन मानदेय नहीं मिल रहा है, तो इसी प्रावधान के चलते मानदेय नहीं मिल रहा था। नए प्रावधान के तहत देखिएगा मानदेय मिलेगा भी तो क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। संशोधित प्रावधान में क्या होने वाला है कि सेविका सहायिका के चयन उपरांत योगदान देने के समय उनके द्वारा विहित प्रपत्र में अब जो है शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, और तभी उनका जो है योगदान स्वीकृत होगा। उक्त शपथ पत्र के आधार पर संबंधित CDPO द्वारा मानदेय भुगतान किया जाएगा। साथ ही संबंधित CDPO द्वारा प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु पूरी तत्परता से प्रयास किया जाएगा। जैसे कि अभी आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा रहता है 1 साल 2 साल से, पोषाहार भले ही मिलता है लेकिन मानदेय का कोई अता पता नहीं रहता, तो उसमें बदलाव कर दिया गया। देखिए कई सारे लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है ये जानकारी जो बदलाव किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि परंतु इसके बावजूद 60 दिनों के अंदर मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है कि जिनका भी योगदान हुआ है उनको 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार से प्रमाण पत्र का सत्यापन अगर नहीं हो पाता है तो अपने प्रयासों एवं सत्यापित नहीं हो सकने कारणों का उल्लेख करते हुए सेविका सहायिका का चयन मुक्त करने या चयन मुक्त नहीं करने का मुखर आदेश पारित किया जाएगा। अन्यथा यह मानते हुए कि संबंधित CDPO को कोई आपत्ति नहीं है, उक्त सेविका सहायिका को तत्समय चयन मुक्त नहीं किया जाएगा, परंतु ऐसी परिस्थिति में यदि भविष्य में कोई त्रुटि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारी को भी दोषी समझा जाएगा जिसके मुखर आदेश के अभाव में चयन मुक्त नहीं किया जा सका। परंतु यह भी चयन के 1 वर्ष की अवधि तक किसी भी कारणवश यदि सक्षम प्राधिकार से प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाता है तो संबंधित सेविका सहायिका स्वतः चयन मुक्त हो जाएगी और इस संबंध में उनका कोई भी दावा या अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। तो देखिए आखिर नए प्रावधान के मुताबिक यहाँ पर जो संशोधन में इतना बड़ा बात लिखा गया है, इस चीज़ों को मैं फिर से समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों से भी वर्तमान में अगर शपथ पत्र भरवाया जाएगा तो उनको फायदा भी है साथ ही बहुत बड़ा लॉस भी है। ध्यान से सुनिएगा, जिनका भी मानदेय अटका हुआ अगर उनसे शपथ पत्र भरवाया जाता है तो ऊपर में क्लियरली लिखा गया है कि वो तो जो भी है वो
प्रमाण पत्रों का जो भी सत्यापन है वो CDPO के हैंड से जल्द कराना है, लेकिन लिखा गया कि अगर 60 दिनों के अंदर नहीं हो पाता है तो अपने प्रयासों एवं सत्यापित नहीं हो सकने कारणों का उल्लेख करते हुए सेविका या सहायिका को चयन मुक्त किया जाए या नहीं किया जाए उसका आदेश CDPO को पारित करना होगा। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर CDPO ये आदेश पारित नहीं करती है, इसका मतलब कि अगर सेविका जो है तत्काल सही है और बाद में अगर भविष्य में कोई त्रुटि पाई जाती है उसके प्रमाण पत्र के सत्यापन वगैरह में तो संबंधित पदाधिकारी को दोषी समझा जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया कि परंतु यह भी कि एक वर्ष की अवधि तक किसी भी कारणवश यदि वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है तो सेविका या सहायिका स्वतः चयन मुक्त हो जाएंगी। बहुत उलझा हुआ यहाँ पर चीज़ें लिखी गई, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो नीचे यहाँ पर जब आएंगे तो देखिए क्या लिखा गया है कि यह संशोधन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के कारण जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर जो भी नया योगदान होगा तो उसके संबंध में मानदेय लंबित होने की स्थिति में भुगतान होते रहेगा। उसके अलावा जो भी नियम पहले के तरीके से लागू होंगे और ये जो आदेश है तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यहाँ पर विशेष सचिव समाज कल्याण विभाग का सिग्नेचर है, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं ये लेटर का PDF नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा जिनसे भी शपथ पत्र पर भरवाया जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे शपथ पत्र की ओर जिसमें मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में क्या क्या भरना है। दीजिएगा जो भी बदलाव किया गया इसी शपथ पत्र में अब जो भी सेविका चयनित होगी या फिर अगर आपसे ही भरवाया जाता है अगर आपका मानदेय लंबित है तो उनके लिए है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो बदलाव है वो नई सेविकाओं के लिए होगा। जो भी पुरानी सेविकाएं हैं जिनको मानदेय पहले से मिल रहा है वेरिफिकेशन हो चुका है उनको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वो सेफ है। तो यहाँ पर देखिए शपथ पत्र में क्या लिखा गया है कि मैं यहाँ पर सेविका का नाम होगा, उनके हस्बैंड का नाम होगा या फिर पिता का, यहाँ पर केंद्र संख्या होगा, केंद्र का नाम होगा, वार्ड नंबर होगा, ग्राम होगा, पंचायत होगा, परियोजना होगा, जिला का नाम होगा और वहाँ पर वो लिखेंगे कि मेरा चयन जो है सेविका या सहायिका के पद पर हुआ है। ध्यान से देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी नीचे दूसरे नंबर में लिखा गया है कि मैं सभी तथ्यों से भली भांति परिचित हूँ कि मेरा शैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो मुझे अविलंब चयन मुक्त किया जाएगा तथा मेरे विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई FIR भी गिरफ्तारी आदि भी की जा सकती है। यानी बड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है अब। और साथ ही लिखा गया कि समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यता के लिए सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर जो दिया गया है वो काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि मैं मानदेय के रूप में भुगतान की गई संपूर्ण राशि साथ ही 10% ब्याज सहित अधिकतम 15 दिनों में पूरी वापस करूँगी। ये चीज़ें मैंने पिछले कई बार कही हैं कि जिनका भी डॉक्यूमेंट एकदम सही होता है, क्लियर होता है, वहीं अपना वेरिफिकेशन कराए या फिर कोई भी जॉब लें। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको जो है मानदेय के रूप में मान लीजिए 1 साल में 1,00,000 रुपया मिला हुआ है लेकिन वेरिफिकेशन करने के समय जो है आपने धोखाधड़ी करके ये नौकरी पाई थी तो आपको जो है 1,00,000 और +10,000 यानी 1,10,000 के 10% ऑफ ब्याज सहित उसको वापस वही 15 दिनों के अंदर अंदर करना होगा। साथ ही जो भी पैसा मिलेगा पोसार वगैरह का वो भी रिटर्न करना होता है। अतः मैं भविष्य में किसी भी और सरकारी और सरकारी में आप चयन भी नहीं हो सकती है नौकरी में, ये सारे योजनाओं का लाभ से भी वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर सेविकाओं के संबंध में जानकारी भरनी है और नाम पहचान पत्र वगैरह भरना है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो भी पुरानी सेविका है उसे देख करके टेंशन नहीं लेना है, पुरानी सेविकाओं के लिए नहीं है। जिनका मानदेय आता है और जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है वो निश्चिंत रहें। जिनका मानदेय अटका रहता है और जो भी नई सेविका चयनित होंगी उनसे ये शपथ पत्र भरवाया जाएगा ताकि उनको जो है मानदेय तो टाइम पर मिले लेकिन अगर वेरिफिकेशन में लेट या गलती होती है तो उनको भुगतना भी पड़ सकता है। उम्मीद है कि वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी तो लाइक करेंगे, अगर जानकारी जरूरी हो तो वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर भी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मिलेंगे फिर किसी नए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।